अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ बेल के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अल्लाह ताला की जात ने अपने महबूब अलैहिस सलाम को इमाम ही तो क्या बल्कि इमामुल अंबिया बनाया है, और इमामुल अंबिया बनाकर अल्लाह की जात ने ये हमको फरमा दिया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना। अब तुमने परेशान नहीं होना कि मेरा कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है, कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत की सनद नहीं पा रहा। बस जिस तरह मेरे महबूब उठते थे तुम भी उस तरह उठो, मेरे महबूब जिस तरह चलते थे तुम पर तभी उन्हीं के तकाजे पूरे करते जाओ। जब तुम मेरे महबूब की इत्तेबा के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह की तरफ से तुझको युहबिबुकुमुल्लाह का सर्टिफिकेट अता कर दिया जाएगा। और जैसे ही तुझ तुझको युहबिबुकुमुल्लाह का सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके ऊपर मोहर लगी होगी वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह की जात ने तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शराह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। मिल के मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, अब ऐसा दूसरा आईना न किसी बसमे ख्याल में न किसी दुकान आईना साज में। अल्लाह ताला की हम्द व सनाम और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह हदिया नास में दरूद व सलाम का नसराना पेश करने के बाद तमाम सामईन हाजरीन को, तमाम तुलबा को और मुशफिक असातिज़ाए किराम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला की पाक बुलंद बारगाह में दुआ है कि उसने हमको अपने फजल और अपनी ख़ास रहमत से अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के विलादत की खुशी में बड़ी ग्यारहवीं शरीफ के हवाला से इस प्रोग्राम के इनेकाद की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला तमाम तुलबा के इस काविश को, असातिज़ा के इस काविश को कबूल फरमाते हुए इसकी ज़ाहरी और बातनी बरकत अता फरमा के दुनिया आखरत में ज़रिया निजात बनाए। और अल्लाह ताला हमारे इस गुलशन को, ये जो महकते हुए फूल हैं, इन फूलों के जो मालिक हैं, अल्लाह ताला उन तमाम को सलामत रखें। नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी अगर इंसान शरीयत की हदूद के अंदर रहकर करें तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी बरकतें अता फरमाता है और मरने के बाद भी अल्लाह की ज़ात उसको इसकी बरकतें अता फरमाएगा। मेरी गुफ्तगू का उन्वान जो मुझे सौंपा गया वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के बेसर और हमारी ज़िम्मेदारी। नबी करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में किस मिशन को लेकर तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में
किस मकसद के लिए भेजा, वो डॉक्टर मोहम्मद अलामा इकबाल फरमाते हैं, ना तो ज़मीन के लिए ना तो आसमान के लिए, ये सारा जहां है तेरे लिए, तू नहीं इस जहां के लिए। अगर तुझे पैदा किया है तो वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून इल्ला लियारिफून, के बंदों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ने अपनी इबादत के लिए और अपनी मार्फत के लिए पैदा किया। और इबादत और मार्फत ईमान वालों के मुकद्दर में है। और ईमान वालों को फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और इंसान के लिए पूरे का पूरा ईमान में दाखिल होना, उसके लिए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के तकाज़ों को पूरा करना होगा। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के तकाज़े उस वक्त पूरे होंगे, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। जब हम लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो जिस मकसद के लिए रब्बे ताला की ज़ात ने इंसान को पैदा किया, लियाबुदून लियारिफून, वो इबादत का मकसद भी हासिल हो जाएगा, वो मार्फत का मकसद भी हासिल हो जाएगा। किस तरह के, एक छोटी सी मिसाल समझें, और हमारा तो शोभा भी ये है, ये जल्दी समझ आएगी कि एक इमाम जब नमाज पढ़ा रहा हो, मुक्तदी उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ते हैं, अब मुक्तदी जो है उन्होंने इमाम के पीछे नियत करते हुए इक्तदा कर ली, नमाज शुरू कर दी। अब इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, वो क़याम में खड़ा हो गया। अब उसने पीछे इस इमाम की नियत की है, अब मुक्तदी का भी हक ये है कि इमाम क़याम में है तो मुक्तदी भी, बोले तो सही, मुक्तदी भी, अगर इमाम रकू में जाए तो मुक्तदी भी, अगर इमाम सजदा करे तो मुक्तदी भी, अगर इमाम ने कादा किया है तो मुक्तदी भी। अगर कोई इमाम क़याम में होता है, पीछे मुक्तदी, पीछे इस इमाम के जो कहकर उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ रहा है, वो ये करे कि इमाम क़याम में है, मुक्तदी पहले रकू में चला जाए, या इमाम रकू में हो मुक्तदी पहले सजदे में चला जाए, इमाम सजदे में है मुक्तदी कादे में हो जाए, या इसके बरअक्स मामला हो जाए, तो क्या उस मुक्तदी की नमाज होगी? उस मुक्तदी की नमाज क्यों नहीं होगी, हालांकि उसने नमाज के अंदर जो रुकन क़याम का पाया जा रहा था वो भी किया है, उसने तकबीरे तहरीमा भी कहा है, उसने रकू का क़याम भी किया है, उसने सजदे का भी क़याम किया है, उसने कादा अखीरा का भी क़याम किया है, नमाज के अंदर उसने तिलावत भी की है, तस्बीहात को पढ़ा है, जो कुछ अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम की तरफ से हुक्म था उस बंदे ने उस तमाम के तमाम अमल को किया, लेकिन उसकी नमाज जब उसने इमाम की इत्तेबा ना की तो उसकी नमाज कबूल क्यों ना हुई? वजह यह है कि 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए उसने एक आदमी को अपना इमाम तस्लीम कर लिया, अपनी जुबान से दिल के इरादे से ये कह दिया कि पीछे इस इमाम के अब जितनी देर तक इमाम रकू करेगा उसके लिए रकू लाजिम था, अगर इमाम क़याम में है तो उसके लिए क़याम लाजिम है, अगर इमाम सजदे में है उसके लिए सजदा लाजिम है, लेकिन उसकी नमाज कबूल क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने अपने इमाम की इक्तदा नहीं की, उसने अपने इमाम की। तो जब एक इंसान जो दूसरे को 5-10 मिनट के लिए अपना इमाम तस्लीम करता है तो उसकी मुखालफत कर ले तो उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूलियत की सनद नहीं पाती है, तो अल्लाह ताला की जात ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को इमाम ही तो क्या बल्कि इमामुल अंबिया बनाया है, और इमामुल अंबिया बनाकर अल्लाह की जात ने ये हमको फरमा दिया लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अब तुमने परेशान नहीं होना कि मेरा कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है, कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत की सनद नहीं पा रहा, बस जिस तरह
मेरे महबूब उठते थे तुम भी उस तरह उठो, मेरे महबूब जिस तरह चलते थे तुम पत्ता भी उन्हीं के तकाजे पूरे करते जाओ। जब तुम मेरे महबूब की इत्तेबा के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह की तरफ से तुझको युहबिबुकुमुल्लाह का सर्टिफिकेट अता कर दिया जाएगा। और जैसे ही तुझ और जैसे ही तुझको युहबिबुकुमुल्लाह का सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके ऊपर मोहर लगी होगी वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह की जात ने तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया। जब अल्लाह की जात तुझको अपना महबूब बना लेगी, तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगी, तो इल्ला लियाबुदून लियारिफून, अल्लाह ताला इसकी बरकत से वो भी तुझको अता फरमा देगा। अब कहने का मकसद ये है कि हमारी जिंदगी का मकसद ये है, नबी करीम अलैहिस्सलाम जो मिशन लेकर इस दुनिया में आए उसके मुताबिक हमने जिंदगी गुजारनी है, तो उन मिशनों में से एक मिशन जो है वो इत्तेबाए रसूल है। आज हमने नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपने घरों को तो सजा लिया, अपनी गलियों को सजा लिया, अपने बाजारों को तो सजा लिया, लेकिन आज अगर किसी चीज में अंधेरा है तो हमारे बातिन में अंधेरा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करके, आपकी इत्तेबा पर अमल करके हमें अपने बातिन को भी रोशन करना होगा। बहुत से नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के पहलू हैं, सिर्फ एक पहलू के हवाला से एक दो बातें आपके गोश गुजार करके अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। देखे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की इत्तेबा की वजह से युहबिबकुमुल्लाह का इंसान को सर्टिफिकेट हासिल होता है, तो आपका एक अमल मुबारक ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अभी ऐलाने नबुवत नहीं फरमाया तो मक्का के वो मुशरिकीन वो तमाम के तमाम आपको किस लकब से पुकारते थे? सादिक और अमीन। और यही मैंने आज इसी हवाला से थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है कि खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल्उक़ूद, ए ईमान वालों जब तुम किसी के साथ अहद कर लो उस वादे को पूरा करो। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम अहद के अंदर ऐसी अपने नमूने पेश किए, ऐसी मिसालें कायम की कि देकर अकल दंग रह जाती है। ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, इजहार नबूवत अभी नहीं फरमाया, लेकिन आपका किरदार देखकर अगरचे आपका नाम सादिक नहीं था, अगरचे आपका नाम अमीन नहीं था, लेकिन आपके वादे की पासदारी देखकर लोग आपको सादिक और अमीन के नाम से पुकारा करते थे। इसी तरह ऐलान नबुव्वत से पहले एक शख्स के जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अबिल हमसा था, उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम से लेन देन का मुआमला किया और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा आप मेरे साथ आए और मैं आपको ये चीज़ अता कर देता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम साथ जाते हैं, उधर ठहरते हैं कि वो शख्स आ जाता है, यहाँ तक के निकला हुआ सूरज तो ग़ुरूब हो जाता है लेकिन वो शख्स नहीं आता। दूसरा दिन भी इसी तरह गुजर जाता है, तीसरा दिन जब होता है तो उस वक़्त वो शख्स उधर आता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उसको फरमाने लगे बता तो सही, तूने तो मुझे इधर खड़ा किया था कि कोई चीज़ ला के देनी थी। वो अर्ज करने लगा मुझे सिर्फ याद भूल गया था, आपने तो बिल्कुल सही फरमाया, मैंने आपसे वादा किया था। नबी करीम अलैहिस्सलाम वादे की पासदारी करने के लिए तीन दिन तक उस बंदे का उधर इंतजार करते रहे, बल्कि सुलह हुदैबिया के मौका पर यह शर्त तय हो चुकी थी कि मुसलमानों की तरफ से कुफार की तरफ जाएगा, वो वापस नहीं करेंगे, या कुफार की तरफ से मुसलमानों की तरफ आएंगे तो मुसलमान वापस करने के मजाज हो जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल्उक़ूद, ए ईमान वालों जब तुम आपस में अहद कर लो तो अहद के अंदर आपने वादा खिलाफी नहीं करनी। जब ये अहद तय हो चुका, एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत अबू जुंदल रजी अल्लाह ताला अन्हु था, वो भागे हुए आते हैं, पांव में बेड़ियां हैं, कुफार ने इतना जुल्म सितम किया है, जिस्म लहू लहान हो चुका है। सहाबा की बारगाह में आते हैं, आकर अर्ज करते हैं, गुजारिश करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इल्तिजा कर
करे। मैं मुसलमान हो चुका हूँ, कुफार मुशरिकीन मुझ पर जुल्म सितम बड़े करते हैं, मुझे लहू लोहान कर दिया है, लिहाजा मैं आपके साथ मदीना जाना चाहता हूँ। तो उस वक़्त अल्लाह के महबूब अलैहिस सलाम तो उनसे वादे की पासदारी कर चुके थे, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस सलाम हज़रत अबू जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर मुशरिकीन के पास जाते हैं और उनको कहने लगे, जो भी आपस में मुआहदा हुआ वो मुआहदा अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, लेकिन अबू जुंदुब को इससे इस्तिस्ना करार दे दिया जाए। लेकिन कुफार मुशरिकीन इस बात पर राजी ना हुए, तो नबी करीम अलैहि सलाम ने वादा की पासदारी करते हुए उस अबू जुंदल को साथ नहीं लेके गए, बल्कि उनको वापस कुफार मुशरिकीन की तरफ भेज दिया। नबी करीम अलैहि सलाम ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये वादा किया था कि जब बहरीन से माल आएगा मैं तुझे इस तरह लप बर बर कर दूंगा, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम इस दुनिया से पर्दा कर चुके होते हैं और खिलाफत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर होता है। जब बहरीन से माल आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक उस माल को अपने सहाबा के दरमियान तकसीम करने से पहले ऐलान करवाते हैं, है कोई ऐसा शख्स कि जिसके साथ नबी करीम अलैहिस सलाम ने वादा किया हो, आए उस वादे को पूरा करवा ले। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं, अर्ज करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमसे ये वादा किया था कि जब बहरीन से माल आएगा मैं इस तरह लब बर बर के दूंगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से वादा किया था उस वादे की पासदारी करते हुए उनको लब बर बर के दिए, बल्कि और ज्यादा दिए, ताकि नबी करीम अलैहिस्सलाम के वादा के अंदर मुखालफत ना हो। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आज जब से हमने आपके इस इत्तेबा को पसे पुश डाल दिया है, चाहे वो दुनियावी सतह पे हो, चाहे वो दीनी सतह पे हो, चाहे वो कर्ज लेने देने के मामले में हो, उस वक्त से एक आदमी का दूसरे आदमी से इत्तेबा उठ चुका है। कोई कर्ज लेता है और लेने वाले को बाद में जिस तरह अदालत में तरीके भुगतनी पड़ती हैं, इस तरह उसके पास पेशी देनी पड़ती है, लेकिन पैसे फिर भी नहीं मिलते। शादी कार्ड पे लिखा होता है कि 7 बजे 8 बजे खाना खिलाया जाएगा, 9 बजे खिलाते हैं, और महफिल बाद में क्या होता है कि 10:30 बजे इख्तितामी दुआ होगी, लेकिन 12:30 हो जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता भी नहीं। खतीब का टाइम होता है कि 10 बजे तुम्हारा बयान शुरू हो जाएगा, 1 बजे हो रहा है। आज हमने इस चीज़ का नाम वादा खिलाफी समझा ही नहीं है। देखें कि मदारिस में देखें, स्कूल में देखें, गवर्नमेंट मुलाजमत में देखें कि जब कोई उस्ताद आता है, शगिर्द आता है, उसको बताया जाता है तेरा टाइम इतने से इतने तक है, तेरी ये जिम्मेदारी है, ये आपस में क्या हो गया, आपस में अकद हो गया। लेकिन जब इस अकद की पासदारी नहीं की जाती तो फिर ये क्या होता है, गदर होता है। फिर ये क्या होता है, गदर होता है, धोखा होता है। ईमान वाले तो वो है, वल मुफूना भी अहदिहिम इज़ा आखदू, जब वो किसी के साथ वादा करे तो उस वादे की पासदारी करते हैं, जो वादे की पासदारी नहीं करते, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया वो मुनाफिक है, कि जब भी वो बात करता है झूठ बोलता है। अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करे तो गाली गलौज करता है, उसको अमानत दी जाए तो उसमें खयानत करता है। लेकिन हमें इस इंजाम को देखना होगा कि जो आदमी दुनिया में रहते हुए किसी के साथ इस तरह धोखा करता है, किसी पर एतमाद क्यों नहीं रहा, किसी पर भरोसा क्यों नहीं रहा, इंसान के दिलों में दूसरे की वक़्त अहमियत क्यों नहीं रही, क्योंकि हमारे दिलों से जो वादा की पासदारी है ये ख़त्म हो चुकी है। तो ये तो दुनिया में एक दूसरे से एतबार उठ जाता है, इज्जत और तकरीम ख़त्म हो जाती है, घर के घर एक भाई दूसरे भाई की मुश्किल वक़्त में मदद करने के लिए इसी वजह से तैयार नहीं होता। लेकिन कल क़यामत के दिन ये बंदा कैसे पहचाना जाएगा? नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन वो बंदा जिसने किसी के साथ अहद किया, उस अहद की पासदारी ना की, धोखा दे दिया, कल क़यामत के दिन उस बंदे की दुबर में एक झंडा गाड़ दिया जाएगा। जो बंदा जितना बड़ा धोखेबाज होगा उतना ही बड़ा वो झंडा, वो अलम उसकी दुबर में गाड़ दिया जाएगा, और जहाँ जहाँ जाएगा वो खुद ब खुद पहचाना जाएगा, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम
कि रसूल खुदा हक सिखाने को आए, जिए हम किस तरह ये बताने को आए, दिलों से मिटाकर बुतों की मोहब्बत खुदा की इबादत सिखाने को आए। वाखिर दावाना अनिल।